गुजरात गौण सेवा पसंदगी मंडल की परीक्षा ने लईने मोटा समाचार सामे आव्या छे। गुजरात गौण सेवा पसंदगी मंडल ने परीक्षा में मोटा फेरफार करवामां आव्या छे। आ फेरफार मुजब हवेथी परीक्षा पद्धति संपूर्ण पेपरलेस रहेशे, तेमज दिवसना त्रण पेपर काढवामां आवशे। आ परीक्षा उम्मीदवारोए कॉम्प्यूटर पर आपवानी रहेशे। सूरत शहर में एपीएमसी माटे जनहित माटे अपायेली जमीन बारोबार आपी देवामां ते विवाद हाईकोर्ट में चार हितनी अरजीनी सुनावणी हाथ धरवामां आवी हती। हाईकोर्टनी टकोर करी हती के सरकारी जमीन पर बारोबार खानगी होटल उभी थाय ते चिंताजनक छे। एपीएमसीए कया नियमोने आधारे जमीन अने फाइव स्टार होटलोने आपवामां आवी तेनो खुलासो करवा हाईकोर्टे आदेश कर्यो हतो। गुजरात में प्रस्थापित थयेल सौ प्रथम एम्स होस्पिटल ने लईने मोटा समाचार सामे आव्या छे। आ होस्पिटल में डिसेम्बर महीनाना अंत सुधी में 250 बेडनी सुविधा शुरू करवामां आवशे। तेनी साथे सौराष्ट्रना 12 जिल्लाओना दर्दीओ आ सहित तमामने सारवानो लाभ मळशे, कारण के होस्पिटल में 250 बेडनी आईपीडी शुरू करवामां आवी छे। गुजरात बार काउंसिल द्वारा राज्य की 272 बार एसोसिएशन की चूंटनी जाहिर करवामां आवी छे, जेमां राज्यनु सौथी मोटू क्रिमिनल कोड बार एसोसिएशन एटले कि अमदावादनु क्रिमिनल कोड बार एसोसिएशन छे। आ एसोसिएशन में कुल 7500 नोंधायेला वकीलो छे अने तेमांथी 5500 वकील नोंधायेला मतदार छे। आगामी 22 डिसेम्बर रोज क्रिमिनल कोड बार एसोसिएशन प्रमुख उपप्रमुख सहित पदों माटे चूंटणी योजावानी छे। राजकोटना अमूल इंडस्ट्रीज में पगार और पीएफ बाकी होवाना कारणे हरीशभाई हरेभाई आत्महत्या करी हती, जेना पगले आहिर सेनाए रेली काढवामां आवी हती। अमूल इंडस्ट्रीज मालिक सामे कायदेसरनी कार्यवाही करवानी मांग करी हती। आहिर समाजना अग्रणीओनी साथे अमूल इंडस्ट्रीजना कामदारो पण रेली में जोड़ाया हता। डिसेम्बरनी एक तारीखे योजनारी परीक्षानो सरकारी कर्मचारीओ बहिष्कार करशे, जेने लईने जीटीयूना रजिस्ट्रारनुं निवेदन कर्युं छे। 2018 पण एक सर्क्युलर कर्यो हतो। अध्यापकोनी जे मांग छे ते शिक्षण विभाग निकाल करे छे, जेथी हवे पण अध्यापकोना प्रश्न शिक्षण विभागे निवेड़ो लावशे। हाल लग्न सराहनी सीजन चाली रही छे, लग्ननी सीजनना चार महीना सोनाना वेपारीओ माटे दिवाळी समान साबित थाय छे। जो कि वधता सोनाना भावनी असरना पगले सोनाना वेपारीओने पण मंदी नड़ी रही छे। उल्लेखनीय छे कि वैश्विक स्तरे अराजकता फैलाई रही छे अने रूपियो सतत घगड़ी रह्यो छे, जेना पगले लोकोने मोंघवारी नड़ी रही छे। पाटण में 27 लेवा पाटीदार विकास मंडले उत्सव पार्टी प्लॉट में 28मो संलग्न उत्सव आयोजन कर्यु हतु, जेमा 17 नव दंपत्ति ने प्रभुता में पगला मांड्या हता। संलग्न में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अंतर्गत लक्ष्मीवनना कार्यक्रम, महिला सशक्तिकरण तथा महिलाओं तथा केन्सर अंगे सर्वाइकल केन्सर अंगे उम्र वर्ष 7 થી 17 वर्ष की बाड़कीओ ने 200 बाड़कीओ ने सर्वाइकल केन्सर की रसी आपवामां आवी हती। गुजरात में हाल वरसाद कोई एलर्ट नहीं और हाल कोई सीस्टम सक्रिय न होवाथी वरसाद नहीं पड़े, परंतु हवे कातिल ठंडी माटे तैयार रहेवू पड़शे। हवामान विभाग डायरेक्टर मनोरमा मोहंतीए जणाव्यु हतु कि हाल वरसाद अंगे कोई एलर्ट नहीं। राज्य में क्यांय सामान्य वरसाद वरसी सके छे, परंतु भारे वरसाद की कोई संभावना नहीं। राज्य में मावठा बाद ठंडीनो चमकारो जोवा मळ्यो छे। राज्यना तेर शहरों में 20 डिग्री थी नीचू तापमान नोंधायु छे। जो कि नदिया 13 डिग्री साथ राज्यनो सौथी ठंडू शहर, तो अमदावाद में सौथी वधु 25 डिग्री तापमान नोंधायु छे। तो राज्य में महत्तम तापमान में 4 डिग्री घटाड़ो थता दिवस दरमियान पण ठंडकनो अहेसास थशे। राज्य में गत अठवाडिये वातावरण में पलटो आवता भारे पवन साथे धोधमार वरसाद आव्यो हतो, तेना पगले राज्यना गामडाओमां लोकोए भारे नुकसानीनो सामनो करवो पड्यो हतो। त्यारे बनासकांठाना सरहदी विस्तार में कमोसमी वरसाद आवता शियाळु पाकने भारे नुकसान थयुं छे, तेथी मावठाना मारथी खेडूतो लाचार बनी रहेता खेडूतो सरकार पासे सहायनी मांग करी रह्या छे। गुजरात में इन्कमटेक्स विभाग द्वारा विविध शहरों में दरोड़ा पाड़वामां आव्या हता। आ वर्षे इन्कमटेक्स द्वारा वडोदरा अमदावाद सूरत
सेलवास अने मुंबई स्थित 40 थी वधु जग्या उपर दरोड़ा पाड़वामां आव्या छे। त्यारे वडोदराना आरआर केबल ग्रुप ने त्यां पण आयकर विभागे तपास शुरू करी हती। आ ग्रुपना चेरमेन रमेश गाबरा सहित विविध डायरेक्टर इंडस्ट्रीजना आईटी विभागे दस्तक आपी हती। गुजरात में फरी एक बार इन्कमटेक्स विभाग सक्रिय थयुं छे। वडोदराना आरआर काबल ग्रुप द्वारा इन्कमटेक्स विभागे सर्च ऑपरेशन हाथ धर्यु छे। आईटी विभागे वडोदरा अमदावाद सूरत सेलवास अने मुंबई मळीने 40 थी वधु जग्याओ पर रेड पाड़ी छे। ग्रुपना चेरमेन रमेश काबरा सहित तमाम डायरेक्टर अने डिस्ट्रीब्यूटर ने त्यां इन्कमटेक्स विभागे दरोड़ा पाड्या। चीनमां फैलाता न्यूमोनियाना नवा वेरियंटने लईने भारत सरकारना आरोग्य विभाग पण सतर्क बनी गयुं छे। एडवाइजरी जाहेर करी छे, जेने लईने विविध सरकारी होस्पिटलमां संभवित जोखमने पहोंची वळवा माटे तमाम तैयारीओ करी देवामां आवी छे। वडोदराની સયાજી હોસ્પિટલ મધ્ય ગુજરાતની સૌથી મોટી સરકારી હોસ્પિટલ છે। ત્યાં નવા ખાતરો પહોંચી વળવા માટે હોસ્પિટલમાં આધુનિક સુવિધાઓ સજ્જ રૂમ તૈયાર કરાયો છે। राजकोट सिविल हॉस्पिटल में पण चाइनाना रोगचाळा ने लईने तमाम तैयारी करी देवामां आवी छे। सिविल हॉस्पिटल में बाळको माटेना 200 बेडनी व्यवस्था करी छे। अलग अलग डिपार्टमेंटना एचओडी बैठक करी अने तमाम तैयारी अंगे चर्चा करवामां आवी हती। तो हॉस्पिटल में ऑक्सिजन प्लांट ने पण पूरता प्रमाण में व्यवस्था करवामां आवी छे। राज्यना पाणी पुरवठा मंत्री कुंवरजी बावड़ियाए एक निवेदन जाहिर कर्युं छे। आ निवेदनमां डेम सेफ्टी एक्टनी अमलवारी पर भार आपवामां आव्यो छे। तेमणे कह्युं छे के केन्द्र सरकारे चकासणीनी कामगीरी पूर्ण करवामां आवी छे, परंतु राज्य कक्षाए कामगीरी कार्यरत छे। तेथी आ चकासणीने सर्वे बाद तमाम डेमो जरूरी बांधकाम करवामां आवशे। जूनागढ़ पाटण श्री जगन्नाथ ट्रस्ट द्वारा धर्मसभा आयोजित करवामां आवी हती। आ प्रसंगे पाटण रेलवे स्टेशन ने जूनागढ़ सुधी स्वामी शंकराचार्य शोभायात्रा आयोजन करवामां आव्युं हतुं। आ यात्रा में बाळको कळस लईने दुर्गा वाहिनी दीकरीओ तलवारबाजी करतब करती जोवा मळी हती। ते उपरांत आ यात्रा में केबिनेट मंत्री बलवंतसिंह पण जोड़ाया हता। राजकोट जिल्लाना धोराजीमां कांग्रेस समिति द्वारा प्रांत अधिकारीने आवेदनपत्र पाठवामां आव्युं हतुं, कारण के धोराजीमां नगरपालिका संचालित स्मशान गृहमां इलेक्ट्रिक भट्ठी छेल्ला लांबा गाळाथी बंद छे अने तेना कारणे स्मशानमां अंतिम संस्कार विधि करवा माटे लाकडानो उपयोग करवानी फरज पड़ी छे। ते उपरांत घणीवार लाकडा भेज अथवा विनाश पड़ता होय छे अने त्यां अंतिम संस्कार विधिमां नागरिकोने मुश्केलीनो सामनो करवो पड़े छे। धोराजीमां नकली घीना जत्था साथे पोलीसे त्रण महिला सहित चार शख्सोने झड़पी पाड्या छे। 34 किलोग्राम नकली घी जूनागढ़ खाते छूटक वेचवा जता पोलीसे तेमने रंगे हाथ झड़पी पाड्या हता। पोलीसे 8,500 रूपियानी किंमतना 34 किलो नकली घी साथे आरोपीने झड़पीने मुद्दामाल पर कब्जे कर्यो छे। धोराजी तालुका पोलीसे मालूबेन मटका अने आलूबेन खीमियाने वर्षेभाई मटकाने झड़पी पाड्या हता। आणंद जिल्लाना ओड गामे स्टेट मोनिटरिंग सेल 2 वर्ष पहला नोंधायेला बुटलेगरने त्यां दरोड़ा पाड्या हता। दरोड़ा दरमियान विजिलन्सनी टीम अने स्थानिक पोलीस वच्चे घर्षण थयुं हतुं। स्थानिको द्वारा आक्षेप करवामां आव्यो छे के दरोड़ा दरमियान पोलीसे स्थानिको पर हुमलो कर्यो हतो, जेमां तेमणे महिला अने बाळकोने पण मार मार्यो हतो। बनासकांठा जिल्लाना पालनपुरना टूंडियावाड़ी विस्तार में वाहनों में एकाएक आग फाटी निकली हती। आ घटना देवदिवाड़ी निमित्ते फटाकड़ा फोड़ता बनी हती। फटाकड़ा फोड़ता पर शेड में फटाकड़ा पड़ा हता अने आग लागी हती, जेमां 5 जेटला वाहनों ने नुकसान पहोंच्यो हतो। आग लगवानी घटनानो वीडियो सोशियल मीडिया पर वायरल थयो हतो। सूरतना सचिन जीआईडीसी विस्तार में आवेली केमिकल कंपनी में मोड़ी रात्रे आगनी घटना बाद अचानक ज ब्लास्ट थता अफरातफरी मची गई हती। घटना में 20 कर्मचारी गंभीर रीते इजाग्रस्त थया हता। घटनानी जाण थता सूरत फायर विभागना चार मथको अने नोटिफाइड जोनना फायर जवानो घटनास्थले पहोंच्या हता अने आग पर काबू मेळवाना प्रयत्न हाथ धर्या हता। फ्लायर हुमलो कर्यो हतो, जे बाद तेओए सारवार अर्थे होस्पिटलमां लई जवाता टूंक सारवार बाद तेनुं मोत थयुं हतुं।
हळवद तालुकाना सापकड़ा गामे जमीनना प्रश्नोना पगले कौटुंबिक पाइप पर बे राउंड फायरिंग करवामां आव्युं हतुं। जे बनाव हळवद पोलीस स्टेशनमां फरियाद करता तेओ फरार थई गया हता। थोड़ा दिवस पहला कौटुंबिक भाई विरुद्ध तेओए जमीन पचावी पाड़ी होवानी लैंड ग्रेबिंग फरियाद नोंधावी हती। जे अदावत राखी परिवारना त्रण शख्सोए बे राउंड फायरिंग कर्युं हतुं। उत्तरकाशी टनल में फसायेला श्रमिकों सफल रेस्क्यू बाद वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए मोड़ी रात्रे श्रमिकों साथे बातचीत करी हती। पीएम मोदी टेलिफोनिक बातचीत दरमियान कहूं हतुं के जे श्रमिकों हिम्मत और साहस बताव्यू छे, हूँ सतत रेस्क्यू अपडेट लेतो रह्यो छूं। मानवता और टीमवर्क अद्भुत उदाहरण जोवा मळ्युं। दिवाळीना दिवसे ज उत्तरकाशीमां टनल दुर्घटनामां फसायेला श्रमिकोने सफल रेस्क्यूनी समग्र देशमां उजवणी थई छे। तो श्रमिकोना परिवारे गईकाल रातथी दिवाळी जेवो माहोल जोवा मळ्यो हतो। विविध आठ राज्योना श्रमिकोए सुरंगमां फसाया हता अने तेमने सफळतापूर्वक रेस्क्यू ऑपरेशन करी बहार काढवामां आव्या हता, जेना पगले तेमना परिवारजनोए फटाका फोड़ी एकबीजाने मीठाई खवडावी अने मुँह मीठू कर्युं हतुं। उत्तरकाशीनी टनल माथी सफलतापूर्वक बचावी लेवामां आवेला 41 कामदारोने एक विश्वजीत कुमार वर्माए कह्युं छे कि ज्यारे काटमाळमां पड्यो त्यारे एमने लाग्युं हतुं के अमे फसाया छे। बधा ज बचावानो प्रयास करता रह्या। तमाम प्रकारनी व्यवस्था करवामां आवी हती। व्यवस्था करवामां ऑक्सिजन अने खोराक माटेनी पण व्यवस्था कराई हती। उत्तरकाशीनी टनल में फसायेला मजूरों ने आखरे बाहर काढ़ी लेवामां आव्या छे। रेस्क्यू टीम ने सूझबूझ अने लोकोनी प्रार्थना रंग लावी छे। 41 मजूरो हाल सलामत छे। आ अंगे उत्तराखंडना सीएम खुशी व्यक्त करी हती। तेमणे कह्युं हतुं के आ बचाव कामगीरी खूब ज पड़कारजनक अने मुश्किल हती। हुं तेमां योगदान आपनार दरेकनो आभार मानुं छुं। बाबा बैखनागनी कृपाथी आ ऑपरेशन सफळ थयुं हतुं। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा ने वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए झारखंड खाते थी देशव्यापी तेमज गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले अंबाजी खाते थी विकसित भारत संकल्प यात्रा राज्यव्यापी प्रारंभ कराव्यो। जनजाति गौचर दिवस विकसित भारत संकल्प यात्रा में योजनाकीय माहिती साथे तैयार करेला आधुनिक रथ में गामे गाम भ्रमण करशे। सरकारनी विविध योजनाओना लाभथी एक पण लाभार्थी छूटी न जाय ए संकल्प साथे विकसित भारत संकल्प यात्रानुं आयोजन थई रह्युं छे। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदीए झारखंड खातेथी देशव्यापी तेमज गुजरातमां मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेले अंबाजी खातेथी विकसित भारत संकल्प यात्रानो राज्यव्यापी प्रारंभ कराव्यो। जनजातीय गौरव दिवस थी विकसित भारत संकल्प यात्रा में योजनाकीय माहिती साथे तैयार करेलो आधुनिक रथ गामे गाम भ्रमण करशे। राज्य में आ रथ 10,000 थी वधु वस्ती धरावता 13,000 थी वधु स्थलों ने आवरी लेशे। दरेक योजना जे छेवाड़ाना मानवी सुधी पहुंचे तेना माटे वडाप्रधान मोदी नी आगेवानी में राज्य सरकार अथाग मेहनत करी रही छे। स्वामित्व योजना। स्वामित्व ए गामोनो सर्वे अने गामना विस्तारोमां सुधारेल टेक्नोलॉजी साथे मैपिंग छे। आ केन्द्रीय योजना छे जेनो उद्देश गामडाओमां रहेता लोकोना तेमना घर सुधीना अधिकारोने रेकॉर्ड करवानो अने मिलकतना मालिकोने प्रॉपर्टी कार्ड आपवानो छे। आ योजना अंतर्गत तमाम ग्रामीण विस्तारोमां ड्रोननो उपयोग करीने सर्वे करवामां आवशे। आ साथे दरेक गाम माटे जीआईएस आधारित नक्शा तैयार करवामां आवी रह्या छे। स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड ना फायदा। देशना ग्रामीण विस्तारों में रहता लोगों ने योजना थी घना लाभों मळे छे। आ योजना नी सत्तावार वेबसाइट अनुसार ते ग्रामीण आयोजन माटे जमीन नो साचो रेकॉर्ड जाळवे छे अने मिलकतना विवादों ने घटाडवामां मदद करे छे। आ सिवाय जे नागरिकों ने ग्रामीण विस्तारों में मालिकी नो प्रॉपर्टी कार्ड मळ्युं छे जेनो लोन लेवा अने अन्य नाणाकीय लाभों माटे नाणाकीय संपत्ति तरीके तेनो उपयोग करी शके छे। आ साथे आ योजना तेमने आर्थिक स्थिरता आपवामां पण मदद करे छे। आ उपरांत ते मिलकत टेक्स नी तपास करवामां पण मदद करे छे। आ साथे योजना सर्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर अने जीआईएस मेप्स बनावशे।
जेनो उपयोग कोई पण विभाग पोताना उपयोग माटे करी शके छे। जीआईएस मैप्स नो उपयोग करवाथी वधु सारी ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करवामां मदद मळशे। आ सिवाय कार्ड जमीनना पार्सलनी लिक्विडिटी वधारवामां मदद करशे अने गामडाओ माटे उपलब्ध नाणाकीय धिराणमां वधारो थशे। आ योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत पासे तमाम मिलकतना रेकॉर्ड अने नक्शा उपलब्ध थशे। जे गामोमां करवेरा बांधकाम परवानगीओ अतिक्रमण दूर करवा वगैरेमां मदद करशे। जल जीवन मिशन केंद्र ने नरेंद्र मोदी सरकार ने आ योजना आशीर्वाद समान छे। नळ द्वारा घर में पानी पुरवठो आपवानी जल जीवन मिशन योजना हेठळ गुजरात सहित 5 राज्यों अने 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने 100% कामगिरी पूरी करी छे। जल जीवन मिशन 60% कवरेज ना माइलस्टोन सुधी पहुंची गयु छे। 5 राज्यों में गुजरात, तेलंगाणा, गोवा, हरियाणा ने पंजाब तथा केंद्र शासित प्रदेशों आंदमान अने निकोबार टापुओ, दमण दीव, दादरा नगर हवेली अने पुंडुचेरी नो समावेश थाय छे। जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 ऑगस्ट 2019 ना रोज थई हती। तेनो उद्देश्य वर्ष 2024 सुधी में दरेक ग्रामीण घर में नळ द्वारा पीवानुं स्वच्छ पाणी पूरु पाडवानो छे। आजे ए गामडाओना दरेक घर सुधी नळथी पाणी पहोंच्युं छे, ज्यां पीवाना पाणी माटे लोकोने दररोज दूर दूर सुधी जवुं पड़तुं हतुं। आझादीनी 75મી વર્ષગાંઠ સાથે દરેક જિલ્લાના ગામડાઓમાં તળાવ ઊંડા કરી અને નવા તળાવના નિર્માણ સાથે વોટર રિચાર્જિંગની પ્રક્રિયા થઈ રહી છે। પાણીના તળ ઊંચા આવતા ખેડૂતો માટે પણ હવે દરેક સીઝન લેવી સરળ બની છે। ગુજરાત તેનું સૌથી